सुभाष भैया अपना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैकेनिकल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से भैया ने वॉरंटी रिटायरमेंट ली हुई है और अभी प्रेजेंट में भैया मास्टर ट्रेनर एंड नेशनल रिसोर्स पर्सन फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत है। भैया ने फर्स्ट यूएच वर्कशॉप 2020 में किया था ऑनलाइन मोड में और तब से भैया यूएच के साथ में जुड़े हुए हैं और अपने बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी भैया वॉलेंटियरिंग की एक्टिविटीज में जैसे रजिस्ट्रेशन, पीपीआई कॉलिंग और ट्रांसलेशन में अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं और उसी तरह से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में यूएचवी का जो कंटेंट है उसको भी शेयर करते हैं और जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स है उनके साथ में भी भैया यूएचवी कंटेंट को शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भैया आपका स्वागत है और थैंक यू भैया, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भैया क्लियर है। तो आदरणीय कुमार भैया, शर्मिला दीदी, गणेश सर, यशवंत भैया एवं सभी क्लो एक्सप्लोरर साथियों का हमारा सादर नमन है, वंदन है और अभिनंदन है। शरीर का नाम सुभाष है और जैसे कहा गया कि बेसिकली मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरा रेलवे इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन है। इंडियन रेलवेज में लगभग 3 डिकेड्स का टेक्निकल सर्विसेज देने के बाद मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। रेलवे की जोनल ट्रेनिंग सेंटर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करीब 20 साल तक मैंने एचओडी के पद पर कार्य किया, लुकिंग आफ्टर द ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। रेलवे में काम करते हुए 2005 में भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने मुझे मास्टर ट्रेनर और नेशनल रिसोर्स पर्सन के रूप में एम्पैनल किया। रेलवे सर्विस के साथ साथ डीओपीटी के लिए भी कॉन्करेंटली मैं काम करता रहा और रेलवे से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद अभी मैं डीओपीटी के लिए ही काम कर रहा हूँ। डीओपीटी एक एपेक्स गवर्निंग बॉडी है जो कि भारत सरकार की सारी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के लिए ट्रेनिंग फंक्शन को मॉनिटरिंग करती है, जिसमें से प्रमुख रूप से सिविल सर्विस ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ट्रेनिंग डिजाइन, डिलीवरी, असेसमेंट और फाइनली सर्टिफिकेशन करवाया जाता है। पिछले 40 सालों से मैं और मेरी पत्नी दोनों ब्रह्मा कुमारीज के साथ में जुड़े हुए हैं और बीके फिलोसफी के साथ हमारी जो यूएचबी के कंटेंट्स है वो काफ़ी मिलता जुलता रहता है। साथ साथ हम दोनों नेचुरोपैथी की स्टडी किए हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं पिछले 25 सालों से। तो ये दोनों अपनी दिनचर्या में शामिल होने के कारण हमारी दिनचर्या कुछ हद तक व्यवस्थित ही रही, फिर भी यूएचबी में जुड़ने के बाद उसमें काफ़ी निखार आया। परिवार बोलने से हम दो ही हैं, पेरेंट्स शरीर छोड़ चुके हैं, मैं और मेरी पत्नी हैं और इसी के कारण हम पूरी धरती को अपना घर मानते हैं और पूरे मानव समाज को अपना परिवार मानते हैं। हम दोनों ने तय किया था कि हमारे जो कुछ भी रिसोर्सेस हैं इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, हेल्थ, टाइम, एनर्जी और हमारी जो इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस हैं वो सारी चीज़ों को हम मानव के कल्याण के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी यूज करेंगे और वही सदिच्छा को लेकर हम पिछले 22-23 सालों से आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले 3 साल से हम एक एनजीओ के साथ में जुड़े हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एलिवेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे काम कर रहा है। 2020 में जबकि कोरोना की पीक पीरियड चल रही थी, एवरीबडी वॉज होम कन्फाइंड, उस समय कोइंसिडेंटली हम यूएचपी की सेशन स्क्रीन पर देख पाए और उसी समय ही हमारे दिल पे ये पेनिट्रेट कर गया, एक नशा चढ़ गया, क्योंकि पहले से उसी तरह की कुछ धारणाएं थी, कुछ इस तरह की फिलोसफी को समझने की और परखने की तमन्ना जगी हुई थी बहुत पहले से और यूएचपी के कंटेंट उसमें काफ़ी मिलता जुलता रहा। तब से ही हम नियमित रूप से इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। यूएचबी के इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप और यूएचबी 2 के फेस टू फेस वर्कशॉप, इसको हमने 2 बार अटेंड किया
एक शिक्षा व अनुसंधान यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में किया, और उसके साथ साथ अभी रिसेंटली एके गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में फेस टू फेस मोड में USP 2 भी अटेंड किया। मॉर्निंग के सेशन में हम रेगुलर रूप से लगभग जुड़े ही हुए हैं। बीच में कुछ स्वास्थ्य की समस्या के कारण लगभग 4-6 महीने के लिए हम एक तरह से डिटैच हो गए थे, अभी फिर से हम जुड़ गए हैं। कमिंग टू एक्सरसाइज 1, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने की प्रक्रिया। मैं एक चैतन्य शक्ति, अधिकांश समय स्वयं को देख पा रहा हूँ। मेरी कल्पनाशीलता, इच्छा, विचार, आशा को हर पल देखने की प्रयास करता रहता हूँ। फिर भी कुछ कार्यों को पूर्ण एकाग्रता के साथ जब मैं करता हूँ, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी इमेजिनेशन पर और अटेंशन देने की जरूरत है। कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जैसे विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, प्रेम का भाव आदि निरंतर मेरे ध्यान में रहते हैं। जो मेरी मौलिक स्वभाव संस्कार है, सदा सुखी रहने की इच्छा है, वो सदा इमर्ज हो पाता है, ऐसा महसूस कर पाता हूँ। लगभग 1 साल पहले मेरे अंदर कभी कभी लोगों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति एक तरह की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती थी। अगर शब्दों से ना भी कहता हूँ तो कम से कम मानसिक स्तर पर तो थोड़ा बहुत हलचल हो ही जाता था। अब इसमें काफी स्टेबिलिटी प्राप्त हुई है। मेरे थॉट्स, डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं काफी हार्मोनी में रह पाता हूँ। अंतर विरोध नहीं रहता, इसलिए खुश महसूस करता हूँ। मेरा सुख दुख का कारण मैं स्वयं ही हूँ, ये मैं एहसास कर पाता हूँ। बाह्य परिस्थितियों को, संबंधियों को, लोगों को, वस्तुओं को ब्लेम करने की एक तरह का आदत कुछ ही साल पहले था। समय अनुसार वह स्थिति में काफी निखार आ पाया है। बाहर की स्थितियां सिर्फ एक ट्रिगर का काम कर सकते हैं, ये समझ मेरे में आई है। बट आई एम द रिंग मास्टर ऑफ माई ओन, ये दृढ़ता आती जा रही है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अजम्पशंस या प्री कंडीशनिंग के इन्फ्लुएंस से काफी डिसीजन या प्री कंडीशनिंग के इन्फ्लुएंस काफी मिनिमाइज, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई है। रैदर ज्यादातर मैं अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के ऊपर फोकस्ड रह पाता हूँ। समझ के आधार पर, नेचुरल फीलिंग के आधार पर तय कर पाता हूँ कि संगीतमय अवस्था में रहने की खुशी कितनी गहराई तक पहुंच पाती है। सेंसेशन की डोमिनेंस नहीं के बराबर हो पा रहा है। संबंध है वो सहअस्तित्व को मैं काफी करीब से देख पाता हूँ। एक दूसरे के साथ संबंध पूर्वक एवं पूरकता के साथ ही जी पाते हैं, यह स्पष्ट दिखता है। मेरी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैं मानव के साथ एवं पूरे प्रकृति के साथ जुड़ा रहता हूँ। यह भाव मेरे अंदर काफी गहरा होती जा रही है, दृढ़ है, जिसके आधार पर मैं निरंतर सुख स्वरूप में जीने का सफलता प्राप्त करता हूँ। एक्सरसाइज 2 में स्वयं के द्वारा स्वयं एवं शरीर को देखना तथा ये दोनों का आपस में इंटरेक्शन शून्य में किस तरह से हो पाता है उसको भी देखना। मैं अवेयरनेस के साथ देख पाता हूँ कि मां शून्य में तो भिन्न भिन्न वास्तविकताएं आपसी संबंधों को परस्परता के साथ निभा रहे हैं। एक जड़ इकाई शरीर और एक चैतन्य इकाई स्वयं, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। मैं दृष्टा हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोक्ता हूँ। आई एम द सीयर, डूयर एंड एंजॉयर। बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट। आई डिसाइड एंड गिव कमांड टू द बॉडी, और बॉडी कमांड को एग्जीक्यूट करने वाला एक साधन मात्र है। शून्य में ये दोनों सत्ताएं बहुत ही अच्छी व्यवस्थित ढंग से आपसी कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ सिग्नल करते रहते हैं, ये मैं महसूस कर पाता हूँ। शरीर को एक माध्यम के रूप में मैं स्वयं उपयोग करता रहता हूँ। बाहरी दुनिया की जो भी स्टिमुलस है, उन्हें मैं संवेदनाओं के रूप में थ्रू द सेंसरी ऑर्गन्स प्राप्त करता रहता हूँ। मैं स्वयं संवेदना नहीं हूँ, लेकिन संवेदनाओं को पढ़ पाता हूँ। शरीर के किसी भी अंग में कोई हलचल है तो वह सिग्नल के माध्यम से मेरे तक पहुंचता रहता है। शरीर और स्वयं के बीच की दूरी को मैं खुद देख पाता हूँ। शरीर के साथ एवं बाह्य दुनिया के साथ मेरी इंटरेक्शन को मैं स्वयं पढ़ते हुए उस संवेदना का सही अर्थ निकाल पाता हूँ। मेरी जो भी पुरानी डीप रूटेड संस्कार है, वो धीरे धीरे व्यवस्थित होते जा रहे हैं। रिएक्शन कम होती जा रही है और रेस्पॉन्स की दायरा बढ़ती जा रही है। मान्यता और संवेदना के आधार पे जब मैं डिसीजन लेता हूँ,
तो मैं सुखी या दुखी महसूस करता हूँ डिपेंडिंग अपन द एक्सटर्नल स्टिमुली। उदाहरण के लिए जब मैं औरों से बात करता हूँ तो कभी कभी पहले मैं ये सोच लेता हूँ कि मैं ये बोलूंगा तो वो ऐसे ही बोलेंगे, जबकि वास्तविकता तो यह है कि दूसरा भी मेरे जैसा ही है, वो भी सदा सुखी पूर्वक संबंध के साथ में जीना चाहता है। सभी मानव का पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल भी सेम है। ये भावना जब आ जाती है तो फिर से मैं व्यवस्थित हो जाता हूँ। विकास के क्रम में समझ के आधार पर डिसीजन लेने का संस्कार मेरा बढ़ते जा रहा है। इससे मेरा भाव सहज स्वीकृति के अनुसार रहता है और मैं निरंतर संगीतमय अवस्था का एहसास कर पाता हूँ। बाह्य परिस्थितियों को मैं एक आईना के रूप में लेता हूँ जो कि मेरी इंटरनल स्टेबिलिटी की असेसमेंट का एक अच्छा टूल है। यह मैं देख पाता हूँ, फिर मैं समझ के आधार पर रेस्पॉन्ड करता हूँ और सदा हल्का रह पाता हूँ। हैप्पीनेस इज माई इनहेरेंट नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक और मैं एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन से प्रभाव मुक्त हूँ, यह मुझे दिखता है। यह मेरा एक श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली एसेट है जो कि प्रकृति प्रदत्त है। सुखी दुखी होने का रिमोट मैं सदा अपने हाथ में ही रख पाता हूँ। यूएचबी के साथ जुड़ने से शरीर के प्रति इफेक्टिव अटेंशन दे पाता हूँ। शरीर का पोषण, सुरक्षा एवं सही उपयोग का मुझे पूरा ख्याल रह पाता है। स्वयं के प्रति निरंतर अवेयर रहने से, फोकस रहने से मैं सही समझ एवं नेचुरल एक्सेप्टेंस के अनुसार निर्णय ले पाता हूँ एवं प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन क्रमश एलिमिनेट होते जा रहे हैं। ये सारी प्रक्रियाओं में मैं काफी आत्मसंतुष्टि तो प्राप्त करता ही हूँ, परंतु इसमें और निखार लाने की आवश्यकता मैं खुद ही फील कर पाता हूँ। 24/7 सुख का एहसास के लिए हमें और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, यह मुझे लगता है, और यह यात्रा जारी रहेगी। कमिटमेंट के तौर पे इस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए मैंने पठन, श्रवण, मनन, चिंतन के साथ साथ कथन को भी अपनाया। मुझे ऐसे लगा कि जब मैं शेयरिंग करता हूँ औरों के साथ तो मेरी अंदर की भावनाएं और इसकी जो सिद्धांत है यूएसबी के कंटेंट की, वो धीरे धीरे मेरी अंदर दृढ़ीभूत होती जा रही है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्निंग में रफ्तार लाने के लिए पिछले 2 साल में हमने रोज सुबह एवं शाम को डेडिकेटेड 2 आवर्स रखा, जिसमें हम मनन चिंतन पे फोकस करते हैं। इन डेडिकेटेड 2 आवर्स के अलावा हम बाकी समय भी श्रम करते हुए, कर्म करते हुए स्वयं के ऊपर अटेंशन रखने के प्रयत्न करते हैं। पिछले 2 साल में कुछ ऑफलाइन मोड में फेस टू फेस इंटरेक्शन में हमने अपनी यूएसपी कंटेंट जितनी हमने समझा है उसको शेयरिंग करने की प्रयास किया, जिनमें से कुछ ऐसा है आईटी कॉलेज, गमेट गर्ल्स हाई स्कूल, संत शोल्डर स्कूल, रानिया सिरसा हरियाणा में है, जिन बच्चों के साथ हमने ये कोर्स कंटेंट को शेयर किया, सीआरडीएवी कॉलेज, बीएडी कॉलेज, नवजोत स्कूल, अलेनाबाद हरियाणा में 2022 में शेयर किया, फूड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज जयपुर राजस्थान, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनके साथ में यूएसपी कंटेंट शेयर किया, ब्रह्मा कुमारी ज्ञान सरोवर मुख्यालय माउंट आबू 2022 में शेयर किया। इसके अलावा इन दिस ईयर 2023 आंध्र प्रदेश ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट विजयवाड़ा एवं देवी अहल्या विश्वविद्यालय इंदौर, यहाँ के पीजी स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज के साथ हमने यूएसपी का कंटेंट को शेयर किया। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हमें ऐसा लगता है कि हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है, आज हम समाज में जिस जगह पर खड़े हैं, हमारी पोषण, विकास एवं सारी प्रकार की सुविधाओं की प्राप्ति के पीछे मानव समाज का हर एक व्यक्ति का, इस प्रकृति की हर एक इकाई का विशेष अवदान है, और ये हमारी समय है कि हम प्रकृति के लिए कुछ रिटर्न में करें या प्रदान करें। जनता की जागृति के लिए, भ्रमित मानव को जागरूक बनाने के लिए एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस, उससे फिर आगे की ओर यात्रा जारी रखवाने के लिए हमें समाज के लिए कुछ करना है, ये दायित्वशीलता, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग हमारे अंदर आ रही है। इसी के तहत हम जितने भी हो सके ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में अपनी भागीदारी करने के प्रयत्न करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी यूएसबी टीम के लिए हार्दिक कृतज्ञता। नमस्कार, धन्यवाद। बढ़िया भैया, सुभाष भैया की भी शेयरिंग अच्छी रही। सुभाष भैया, अभी तो आपका पूरा ही समय है,
आपने कहा वॉलंटरी रिटायरमेंट आपने ले लिया है, तो अभी आपकी क्या भागीदारी हो पा रही है? भैया अभी जो ऑनलाइन की जो सेवाएं हैं उसको मैं करता रहता हूँ, जैसे रजिस्ट्रेशन का काम है, पीपीआई की है और बुक ट्रांसलेशन की है, वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा जब डीओपीटी के असाइनमेंट मिलती है, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करने के लिए मौका मिलती है, हर स्टेट में जो सिविल सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी है उसमें हम जाते रहते हैं, और उसमें भी जब मौका मिले तो यूएसपी के कंटेंट को हम शेयर करते हैं। अभी गोपाल अच्छा भैया से हमारी मुलाकात हुई और डीओपीटी के साथ में डीओपीटी के पास एक लेटर भेजा गया है, और जी, जिसमें डीओपीटी की रेस्पॉन्स ये रही कि हम इसके ऊपर विचार करते हैं और आने वाले दिनों में हम बहुत जल्दी इसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि पूरे देश में इस कार्यक्रम को कैसे संचालित किया जाए। और पर्टिकुलरली जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस आईपीएस कैडर के अधिकारी होते हैं, उनके लिए भी हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को चालू रखेंगे। उसकी प्रोसेस अभी जारी है, ये फाइनलाइज नहीं हुआ, ये मुझे जानकारी अभी मिला, जस्ट एक हफ्ते पहले की घटना है ये, तो उसको भी हम ट्राई करते हैं फॉलोअप करने के लिए। अगर संभव हो तो उसको फिर हम पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और वो एक इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग पैकेज के रूप में डिलीवर किया जा सकेगा, ऐसे हमें उम्मीद है। जी बहुत बढ़िया भैया। अभी आपने UHV 2 किया ना, एक एक घर कॉलेज में? हाँ, एक एक कर कॉलेज में अभी जस्ट करके आया हूँ 2 दिन पहले। जी, बढ़िया भैया। आपके साथ भी कभी अलग से हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे, तो एकेडमी के लिए या सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स के लिए कुछ अगर निश्चित योजना बन पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और वैसे तो आप अपने ऊपर काम कर ही रहे हैं, नियमित रूप से सुबह का सत्र भी अटेंड कर, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी संभावना है भैया। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना, बधाई आप दोनों साथियों को। थैंक यू भैया।